नमस्कार दोस्तों, मैं पहले सारी आप देख रहे हैं हमारा यूपी लाइव पंडित। इस दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ भूख मार्ग पर जल जमाव के कारण लोगों के घर से बाहर जाने में हो रही काफी दिक्कत है। मामला खुशीनगर जनपद विकास खंड बिश्नापुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा गोती बुजुर्ग में पुरवा में बनाए गए इंटरलॉकिंग के ऊपर से गांव के गंदा पानी के जल जमाव के कारण लोगों को घर से बाहर निकलने तथा राहगीरों आने जाने के काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। कुछ राहगीरों के वाहन स्लिप कर जाने के कारण गिर जाते हैं। वहीं लोगों का कहना है कि कुछ दिन पूर्व एक राहगीर उस रास्ते से जा रहा था, अचानक उसकी बाइक स्लिप कर गई जिससे वो गिर गया और वहीं गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के देखते हुए ग्रामीण ने ग्राम प्रधान ने नाली बनवाने की मांग की तथा ग्राम प्रधान के न सुनने जाने के कारण ग्रामीण के ग्राम विकास अधिकारी से बात किया और उनसे इस घटना से अवगत कराई हुई है। रमेश्वर गुप्ता के दुकान से बकाऊ बैठक के घर तक नाली की मांग की है और वहीं ग्रामीणों के जयप्रकाश हेमंतराज कुमार राजू चौहान शंभू मोती आदि के कहना है कि यदि समय के रहते हुए नाली का न बना तो किसी दिन बड़ा दुर्घटना का कारण हो सकता है। कुशीनगर से राम नारायण चौहान की रिपोर्ट। टुन्नू मिश्रा नाम है हमारा। कहाँ के रहने वाले हैं? गोटी बिजरुक का। विकास खंड कौन सा पड़ता है आपका? बिहनपुरा। बिहनपुरा पड़ता है। आपकी किस प्रकार की समस्या है? सड़क का समस्या है, नाली का समस्या है। आपको आपकी नाली की समस्या है? हाँ। और सड़क की समस्या है? सड़क का समस्या जो इंटरलॉकिंग हुई है, कि इंटरलॉकिंग दिख रही है, इसमें काफी सारी पानियाँ लगी हुई है, तो जब इंटरलॉकिंग हुई थी इसके बीच आपने नाली की मांग की थी? हाँ। तो क्या हुआ? वो बोलते हैं हो जाएगा नाली, नाली आकर हुआ नहीं। आप इससे संबंधित अधिकारियों से बात की? आपका नाम? कहाँ कराने वाले हैं? विकास खंड कौन सा आपका? जी, आपकी किस प्रकार की समस्या? यही सड़क में पानी लग रहा है, नाली सबके लिए सुविधा हो जाएगा। आप नाली की मांग करना चाहते हैं? नाली चाहे नाली बन जाएगा, पानी नहीं लगेगा, सड़क सबको आने जाने में तकलीफ हो रहा है, कोई गाड़ी से जा रहा है, कहीं जा रहा है। जैसे बरसात के मौसम में ऐसा होता है? नहीं, हमेशा लग रहा है, हमेशा पानी लग रहा था। आपने इससे संबंधित अधिकारी जैसे ग्राम प्रधान हो गए, ग्राम विकास।